Hello everyone. Hope you all are doing well. History and Development of Books and Libraries lecture series में आज की हमारी ये first lecture है जो writing materials and storage devices के हवाले से है. आए सीखते हैं. Storage devices में जो सबसे पहली storage devices जो हमें मिलती हैं debris से माजी की जो जो तबाहशुदा डिब्रीज हैं, मलबा है, मुख्तलिफ ममालिक में पाई जाने वाली तहजीबों की जो लाइब्रेरीज हैं जिनमें मेसोपोटेमियन, असीरियन, सुमेरियंस या और जो दूसरी मोहनजोदड़ो हो गया या और दूसरी जो है तहजीबें हैं, तो उनकी जो खंडरात हैं उन खंडरात से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से माजी में जो है इंफॉर्मेशन जो उनके फीलिंग्स थी लोगों की, जो थॉट्स थे, जो एक्सप्रेशंस थे, जो एक्सपीरियंसेस थे, वो अपने सक्सेसर्स तक, आने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए वो किस तरह से उसको प्रिजर्व करते थे, किस तरह से उनको लिखते थे. तो राइटिंग मटेरियल्स में और स्टोरेज डिवाइसेस में देखें, आपके सामने एक पिक्चर ओपन है जो एस्टिमेटेड डेट बेक इसकी जो है 5000 साल पीछे की है पीसीज की. और जो है इस तस्वीर में देखें आप किस तरह से पिक्चर्स और इसको जो है पिक्टोग्राफी के नाम से आज के दौर में हम जानते हैं. तो ये इसके पीछे आप देखें कि ये जिस चीज़ पर लिखी हुई है तो ये या तो क्ले टेबलेट्स होती थी या तो फिर जो जिन गारों में लोग रहते थे, जिन केव्स में लोग रहते थे, तो वहीं पर ही उन पर जो है एम्ब्रॉयडरी, उन पर जो है बनाते थे चीज़ें, नक्शे और जानवरों के जो है अशकाल और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें. तो पिक्टोग्राफी में एक और तस्वीर है हमारे पास जो बयान करती है किसी इबादत के अमल को या किसी और चीज़ को जो माजी में वो गुजरी. तो उसके बाद आप देखें कि आइडियोग्राफिक जो है फोनोग्राफ, ये भी 5000 साल पहले के किस तरह से जो है चीज़ें बनी हुई हैं, इनकी जो रिटन डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री होगी वो इंशाल्लाह हम आगे की लेक्चर्स में पढ़ेंगे. लेकिन फिलवक्त आपको जो है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में और राइटिंग्स के बारे में बताना ही मेन मकसद है. तो उसके बाद अब पिक्टोग्राफ और आइडियोग्राफ के बाद जो है अल्फाबेट्स का इन्वेंशन होता है. अब अल्फाबेट्स जो है ये सेमिटिक पीपल लिविंग इन और नियर इजिप्ट, तो जो आज के दौर में अल्फाबेट्स हमारे पास मौजूद हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की, हिंदी की, उर्दू की, इंग्लिश की या किसी और ज़बान की, तो इनका वजूद जो है सबसे पहला जो अल्फाबेट्स जो इस्तेमाल होने वाली है ये जो है इजिप्शियंस की तरफ से हमें मिलती हैं. और दुनिया की पुरानी ज़बानों में ग्रीक ज़बान भी है, एक लैटिन ज़बान भी है या वो ज़बानें जो आज के दौर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनके अल्फ़ाबेट्स बाय द एवोल्यूशन जो है एवोल्यूट होते होते जो है हमारे पास आज जो है बेहतर फॉर्म में हमारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए मौजूद हैं और आज हम अपने जो है फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस एंड थॉट्स को जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं. लेकिन इसका जो माजी था वो इस तरह से था. अब स्टोरेज डिवाइसेस में आप देखें कि दूसरी जो डिवाइस जो फोर्थ मिलेनियम बीसी की जो हमें पता चलती हैं, किंगेश्वर बनीपाल लाइब्रेरी हो गई या फिर उनके अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी हो गई या परगामम लाइब्रेरीज की जो डिब्रीज थी, जो मलबा था जहाँ से जो चीज़ें मिली, और ये आज भी जो है ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं सारी की सारी चीज़ें. तो क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम, सेलेबिक्स स्क्रिप्ट्स इसको जो है नाम दिया हुआ है, के स्लेब्स होते थे बहुत बड़े बड़े पत्थर के जिन पर जो है शेनी और हथौड़े, जिन्हें स्टाइलस के नाम से, चिजल और हैमर के नाम से हम जानते हैं, कि उनसे जो है इन पर लिखा जाता था. ठीक है, तो यहाँ से स्टोरेज डिवाइसेस का जो है के रूट्स हैं और इन्वेंशंस. फिर इस वक्त जो हमारे पास हैं सारी चीज़ें स्टोरेज डिवाइसेस में वो क्या हैं उसको भी आगे जाके हम देखते हैं. उसके बाद जो है सेलेबिक्स से बाद में, क्योंकि बेहतर से बेहतरी की तरफ हम आते जा रहे हैं, जैसे आज के दौर में हम तरक्की करते जा रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी आती है फिर वो जो है ऑब्सोलेट हो जाती है, फिर दूसरी टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले लेती है. तो इसी तरह से माजी में स्लेव्स होते थे और वो पत्थर के स्लेव्स थे जिन पर लिखा जाता था, लेकिन उस पर लिखना थोड़ा मुश्किल अमल था. तो उसके जो है ना आगे जाकर फिर
क्ले टेबलेट्स वजूद में आई। अब क्ले टेबलेट्स मट्टी की तख्तियाँ, इन मट्टी की तख्तियों पर, मट्टी से बनाई हुई तख्तियाँ, उन पर फिर जो है बोन स्टाइलस हो गया या रीड स्टाइलस हो गया, फिर उनसे जो है लिखा जाता था, कोई भी चकलें जो है मुख्तलिफ तरह की बनाई जाती थी और पैगाम रसाई इस तरह से होती थी। फिर इनमें जो है दो तरह की क्ले टेबलेट्स होती थी, एक वो जो आम लोगों के लिए होती थी और एक वो जो रॉयल फैमिलीज के लिए, बादशाहों के लिए और उनकी पैगाम रसाई के लिए जो है ये चीज़ें होती थी, जिनके जिनके लिए टेबलेट्स पर स्पेशल ऊपर से जो है ना एक खास कवर बनता था, वो भी क्ले का ही बनता था। और इन पर किस तरह से लिखते थे, क्ले मट्टी ली, मट्टी पर लिखा, फिर उसको या तो आग में पकाया जाता था या फिर आग में नहीं भी पकाया जाता था। तो इस तरह से फिर उन जो क्यूनिफॉर्म वाले जो माजी वाले स्लेव्स थे उससे फिर बेहतर शक्ल में लिखने का एक तरीका इंसान ने सीखा और फिर ये क्ले टेबलेट्स इस्तेमाल होती रही लिखने के अमल के लिए। उसके बाद जो है इजिप्शियंस ने ही इन्वेंट की पेपेरस या सेपेरस और फिर जो है रीड पेन जो है 3000 बीसी से लेकर 2700 बीसी के दरमियान इनका जो है फिर इन्वेंशन हुआ। यहाँ पर आप देखें राइट साइड में वो पौधा जिस पौधे से जो है टेम्बू जिसे कहा जाता है, जिसे हम बांस कहते हैं, तो उसकी या उससे मुशाबियत रखने वाली किसी चीज से जो है वो मुख्तलिफ जो है रोल बनाते थे और उन रोल्स की मुख्तलिफ हाइट्स होती थी, स्क्रोल जिन्हें हम कहते हैं, फिर वो स्क्रोल बनाते थे और फिर उन स्क्रोल्स पर जो है दरियाए नील के साथ ही इनका जो है ना पौधा होता था, जिस पौधे से वो जो है कलर निकालते थे और उसी कलर से फिर लिखते थे। तो अब पहले स्लेब आ गया, स्लेब के बाद क्ले टेबलेट्स, क्ले टेबलेट्स के बाद जब आप देखेंगे तो पेपेरस सेपेरस के रोल्स आ जाते हैं जो इन्वेंट हुए इजिप्ट में, जहाँ से इसके जो है रूट्स मिलते हैं, फिर लोग उन पर जो है ये चीजें लिखते थे। उसके बाद फिर पार्चामेंट विलियम 3000 बीसीज, ठीक है, जो जानवरों की मुख्तलिफ तरह की खालें होती थी, छोटे जानवर होते थे, बड़े जानवर होते थे, पतली खाल, मोटी खाल, फिर उस हिसाब से जो है खालें बनाते थे मुख्तलिफ तरह की, फिर उन खालों पर जो है लिखा जाता था। अब पार्चामेंट क्या होता है, ये रफ फॉर्म में किसी भी जानवर की स्किन को बनाया हुआ हो लिखने के लिए तो उसको पार्चामेंट, और विलियम की जब हम बात करें तो ये जो है छोटे जानवर की खाल और सॉफ्ट खाल और जो है सही तरह से उसको शेप दिया हुआ हो तो उसके लिए विलियम का जो है लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये भी 3000 बीसी से जो है चीजें हमें मिलना शुरू हुई है कि जो है किस तरह से इसकी एग्जांपल्स आज भी हमारे पास मौजूद हैं। मुख्तलिफ पुराने दौर के लिखे हुए नुस्खे जो होते हैं वो इन्हीं पर ही होते हैं। तो फिर जो है पेपेरस के बाद जानवर की खाल क्योंकि अप्रोचेबल थी और मेंटेन करना और लिखना उस पर निस्बतन आसान था, दूसरे जो राइटिंग मटेरियल और जो स्टोरेज डिवाइसेस थी उनके हिसाब से, तो फिर ये पार्चामेंट और विलियम्स जो है ये वजूद में आए और इन पर फिर हम इंसानों ने लिखना शुरू किया और अपने आइडियाज, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्लेनेशंस, अपने तजुर्बात लिखना शुरू किए कि आने वाले सक्सेसर्स तक जो है किस तरह से हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मॉडर्न दौर की अब यहाँ पर शुरुआत होती है तो यहाँ ई फॉर्मेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में चीजें आना शुरू हो गई। तो इनमें जो पहली स्टोरेज डिवाइस जो कंसीडर की जाती है वो पंच कार्ड, आप देखें लेफ्ट साइड पर किस तरह से जो है एक कार्ड है जिस पर जो है मुख्तलिफ जो है पंच बने हुए हैं जो कोई इंफॉर्मेशन कोई मीनिंग देते हैं। और फिर राइट साइड पर आप देखें कि एक मशीन है जो जिस पर बंदा टाइप कर रहा है कि कोई भी पैगाम रसाई के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग के हवाले से। तो बोन कार्ड्स होते थे, हड्डियों से बने हुए कार्ड और हड्डियों पर लिखना और फिर इस तरह से पंच कार्ड। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ और मॉडर्न राइटिंग जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं फिर उसकी तरफ आते हैं। तो इनका इन्वेंशन 1810 से लेकर 1890 तक इनको सही तरह से अडॉप्ट किया गया और इन पर बाकायदा फिर काम शुरू किया गया लिखने के हवाले से। फिर हम आते हैं मैग्नेटिक टेप, जैसे आपके सामने कैसेट मौजूद है
ये 1950 के दौर की जो है इन्वेंशन है। इस इन्वेंशन में मैग्नेटिक टेप होती थी जिस टेप पर मुख्तलिफ जो है सोर्सेज इस्तेमाल होते थे इनको लिखने के लिए, तो इन पर इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग ई फॉर्मेट्स में जो है होना शुरू हुई। तो ये फिर चले बहुत सारा अरसा, आज भी जो है कहीं कहीं पर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी के साथ जो है फोनोग्राफ की कैसेट्स हो गई, वो भी इसी दौर का ही इन्वेंशन है। और उन पर फिर मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए लिखा जाता था, और फिर उसी तरह से ही इनको रिट्रीव करने का, फिर रिट्रीव करने के लिए डिवाइसेस जो है बनाई गई। और आज के दौर में भी यकीनन इस तरह से बहुत सारी जो है चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बुजुर्गों के पास, या कलेक्टर्स जो होते हैं वो इनको कलेक्ट करते हैं। तो राइट साइड पर आप देखें किस तरह से कैसेट बनी हुई है, फिर लेफ्ट साइड पर आप देखें तो वीसीआर की जो है कैसेट्स हैं। बहरहाल उनमें मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होती थी जिस टेप पर आपकी इंफॉर्मेशन इनकोड होती थी, फिर उसके लिए खुसूसी डिवाइस होती थी जो उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके आपके सामने रखती थी। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, जैसे इनका इन्वेंशन 1960s में हुआ, और इनका मुख्तलिफ जो है डायमेंशंस होते थे। ये एक सर्कल जो है मैग्नेटिक टेप ही होती थी इनमें, लेकिन ये एक सर्कल के तौर पर होती थी। इनका फिर रोम जो इनको रीडेबल बनाने के लिए डिवाइसेस भी मुख्तलिफ होती थी। तो इनकी खसूसियत ये थी कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बनिस्बत मैग्नेटिक टेप के कुछ ज़्यादा थी, और ये पोर्टेबल थे मैग्नेटिक टेप के हवाले से। और मैग्नेटिक टेप के डिसएडवांटेजेस अपने थे, जैसे एक मरतबा खुल जाए तो उसको फिर बंद करना, फिर इस तरह से जो है ना, लेकिन ये एक सर्कल ही होता था, ना खुलने का डर ना कोई और चीज़। तो फिर और इनकी जो है स्पेस, इनकी जो इंफॉर्मेशन होल्डिंग कैपेसिटी थी ये उससे निस्बतन बेहतर थी। तो फिर ये वजूद में आए और फिर ये बहुत सारे अरसे के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुई। और उसके बाद सीडीज की, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं हम, या फिर जो है डिजिटल वीडियो डिवाइस हो या रिकॉर्डिंग डिवाइस हो, तो फिर 1982 में और 1987 में फिर डीवीडी बनती है। और इनके लिए फिर ऑप्टिकल रीडर्स बनाए गए, जो ऑप्टिकल लेंसेज होते थे जो इनको इनमें इंफॉर्मेशन इनकोड भी करते थे, और फिर इंफॉर्मेशन इनको जो है इंफॉर्मेशन इनकी डिकोड भी की जाती थी। और फिर इनकी स्पेस कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क से और बेहतर थी, सीडी की फ्लॉपी डिस्क से बेहतर थी। फिर डीवीडी आई तो डीवीडी की जो स्पेस कैपेसिटी थी वो 250 GB तक थी, और इसकी फिर जो है स्टोरेज कैपेसिटी और बेहतर बनी। और एरर जो माजी में हम देखते थे की नस्बत इसमें एरर्स कुछ कम थे। तो ये इस तरह से यानी कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ हम जो है बाय एंड बाय चलते रहे और चलते आ रहे। उसके बाद फिर हार्ड डिस्क का इन्वेंशन हुआ, इसमें भी ऑप्टिकल डिवाइस और ऑप्टिकल रीडर्स का इस्तेमाल था। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी ये और बेहतर थी। इसका इन्वेंशन बुनियादी तौर पर 1957 से ही हो चुका था, लेकिन इनमें इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो है देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, तो इसकी कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए और इसकी ऑप्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए इसको बेहतर बनाया जा रहा था और बनाया जा रहा है अभी भी। और इस पर आज भी काम हम करते हैं, जो हमारे आम जो सादा से लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं तो उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो टेराबाइट्स में, गीगाबाइट्स में हो चुकी है, और जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनकी स्पीड भी अच्छी है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के हवाले से, और इनकी ऑप्टिक्स भी अच्छी है, इनकी इनकोडिंग भी अच्छी है, इनको फिर डिकोड करने का तरीका भी अच्छा है, और ये फिर पोर्टेबल से पोर्टेबल होती जा रही है। इनमें फिर जो है आप देखेंगे कि पहले के कंप्यूटर्स में बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स भी आ जाती थी, लेकिन अब हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाती हैं जो हम कॉम्पैक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिनको कहीं पर भी हम जो है मोबाइल डिवाइस की तरह जो है लेके जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे इनके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद दूसरी स्टोरेज डिवाइस जो है ये हमारे पास फ्लैश कार्ड्स और यूएसबी आ जाती है, यूनिवर्सल सीरियल बसेस आ जाती हैं, जिनको जो है हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए।
और इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने के लिए, फिर मेमोरी कार्ड जिनको हम जो है आम लफ्जों में जानते हैं, तो ये फ्लैश कार्ड आए, ठीक है। तो उसके बाद आज के दौर में जो हमारे पास मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड ड्राइव से भी बेहतर वो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे जिनको हम SSDs के नाम से जानते हैं, M1 हो गया, फिर इसमें फिर M2 आ गया। तो ये बिल्कुल इसी तरह से जो है चिप्स हैं मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं और फास्ट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव बनाने के अमल को भी जो है बनाती हैं और इंफॉर्मेशन स्टोरेज के अमल को भी फास्ट बनाती हैं। तो ये हमारे पास आज के दौर में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास जो मौजूद हैं वो SSDs के नाम से जानते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, M1 हो गया, M2 हो गया, या ऐसे फिर फर्दर आगे जो है फर्दर इनमें इनको नैनो बनाने की, माइक्रो बनाने की जो है कोशिशें चल रही हैं और हमारे पास मौजूद हैं जो टेक्नोलॉजीज, तो स्टोरेज डिवाइसेस में ये। और इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास दूसरे जो स्टोरेज के ज़राए हैं, में से एक जरिया क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड्स हो गए, जिनमें हम अपनी डेटा को जो है क्लाउड्स के जरिए किसी रिमोट जो है डिस्टेंस पर जो हमारे सर्वर्स मौजूद हैं, तो उन सर्वर्स में हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं ताकि हम उन जो इंफॉर्मेशन हम रखते हैं उस इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बना पाएं। तो इसकी एग्जाम्पल गूगल जो क्लाउड्स होते हैं, जो गूगल ड्राइव्स होती हैं जिनमें आप अपनी तस्वीरें या कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं और कभी भी और कहीं से भी उनको इंटरनेट के थ्रू जो है रिट्रीव कर पाते हैं। तो ये क्लाउड्स हो गए, सैमसंग क्लाउड हो गया, या फिर मोबाइल डिवाइसेस में अपने अपने क्लाउड्स आ जाते हैं, ब्लैकबेरी के क्लाउड्स होते हैं, फिर जो है आईफोन के होते हैं, या फिर इसी तरह से और मूवेबल डिवाइसेस जो हमारे पास मौजूद हैं तो उनके क्लाउड्स होते हैं जिनमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को वहीं से ही रिट्रीव भी करते हैं। और ये इतने पायदार होते हैं कि साला साल इंफॉर्मेशन इनमें मौजूद रहती है, ना वो करप्ट होती है ना चार। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से स्टोरेज डिवाइसेस और राइटिंग मटेरियल्स की जानिब से फिर हम इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि कोई और चीज़ें भी आपको इस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में मिलेंगी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया।